मक्रो अर्गानिजमस आहित एडोलेसेंस तो या सबु टपिक मे बायोलोजिकाल आडाप्टेशन रेस्पिरेशन ट्रान्सपिरेशन देन सयल् एंड फॉरेस्ट रिसोर्स माइक्रो अर्गानिजम

थर्ड नवेम्बर एक्जाम स्टार्ट हो तो uh, आम आउ फिजिकल सैंस र्लास तो मु मुझ करी आम यार किसी एम सिक्यूज प्राक्ट करा जमीक कि फिजिकाल सैंस रही मेटाल नन मेटाल एंड मेटालॉइड এলিমেণ্টছ এণ্ড কম্পাউণ্ড চিম্বল ভাালেন্স এণ্ড কেমিকা ইকুৱেচন তাৰপৰা ৰছড বেছ এণ্ড চল্ট ফিজিকা এণ্ড কেমিকা চেঞ্জেছ ইন মেটৰ দেন ৰ ফিজিক্স প'ৰ্চন যেম্কি ফ'ৰ্ছ ম'চন ফ্ৰিক্সন প্ৰেছৰ ইন ছিড লিউড এণ্ড গাচেছ দেন ইলেক্ট্ৰিচিট এণ্ড কৰেণ্ট এই দুইটিৰ ওমমেৰিকাল আছে মেইনলি ৰিফ্ৰেকচন আৰু ৰিফ্লেকচন অফ লাইট্ৰি নিউমেৰক আমি দেখিব পাই আৰু তাত ৰচি চোলাৰ ছিষ্টম এণ্ড প্লানেট फास्ट आम केमिस्ट्री पोर्शन को कवर कर में एम सिक्यू सहित देन मुझ करी भी फिजिक्स रिच्छरिकाल्स आपको प्रोभाइड करने को बट प्रवेश कराए करी, करी जेहे तो बहुत कम टाइम अच्छे जिते पसिबल हम आम कभर करवा गोटे जिनस कि पिला कहू कि पेपर व्वान रही तो देखो तो पेपर व्वान रे इस रे जो सैन्स रही देखने

थोरी एंड एम सिक्यूज देखने आउ किटा पार्टस मुझको प्रोभाइड करदेवि मैटर फोर्स एंड एनर्जी जितेबाला आम पेपर टूर फिजिक्स पोर्सन रम सिक्यूज करवा कि्यूज मुझक प्रोभाइड करदेवी तो यक पसिबल हो पार ए बहुत कम टाइम अच्छे जेहेतु तो, जो मैंने आपंट को कोर्स में कोर्स परचेज करा इनिट्यूट क्लास कम्प्लीट प्रोभाइ कर तो ट्राए करी मुझको प्रोभाइक करने को बट मुझ आई विल ट्राए ठीक अशी थी। आऊ गे जिनस बायोलोजीर कम्प्लीट नोट्स

आपणक इच्छा जब चाहिए नहीं पारे कम्प्लीट नोट्स एटारे अच्छे चाहिए पारे माने ने तो यहाँ कम्प्लीट आपंपे कर स्टिल आपड़ी चाहूँगी देन दे नंबर में यूपीआई आईडे पेमेंट करके स्क्रीन सट सेदेवे एबे एग्जाम आखुब बहुत ही कम टाइम अच्छी एत कम टाइम भितर आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे पुणी पढ़े आयोलो रखुस टोटाल ट्वेंटी फोर मार्क्स रोचे তো গোটে মেজর পার্ট এটা মেজের রোল প্লে করি নিশ্চয় ত এটা বহু মানে কনভিনিয়েট প্রাইস যিক্সটি নাইন প্রাইজ লা সেইটা ওনি ফর ফার্স্ট হন্ড্রেড স্টুডেন্ট লা আমি ওয়ান ডেজ তাকে এক্সটেন্ড করেছিল সেই টাইম ভিতরে আপনার নেলে নি এবার এপটে সেপটে কথা কহলে হব না আপনার উপরে ডিপেন্ড করছে যদি নেওয়া তলে যে নম্বর দিয়ে হইছে আপনার মেসেজ করে

অর্গান এমতি হি সেল সাইকিল না তো সেই যা সিলাবস রে অনেক সেটি কি আমি কভর করা তো চালু দেখা সেল ক বেসিক স্ট্রকচুরাল ইউনিট অফ এন অর্গান হয়েছি কল সেল মানে হ্যুম্যান বডি সবুঠ স্মলেস লিভিং থিংস কেউটা তো সেইটা হচ্ছে সেল তো সেল হোচ্ছে বেসিক স্ট্রকচুরা ইউনিট মানে আমি অফ সেল বহু সারা সেলকু নিয়ে আমার বডি তেয়ারি হয়েছি তো সবুঠার স্মল হোচি সেল सेल को मानकू टीस्यू देस्यू कुए टीस्यू सीटम सिस्टम देन देन अर्गन सिस्टम एमती ही फॉर्म होता है तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन व्हिच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन अर्गान व्हिच इज कॉल्ड सेल माने ह्यूमन बॉडी रो बेसिक यूनिट हूँ सेल एग्जांपल यठार सेल मे बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स जब आम ब्रिक्स सहित तो सेल को कंपेयर तैयारी कर घर या इटार जरूरत होता है ब्रिक्स रहा निड्स होता है बहुत सारा ब्रिक्स को आम की गोटे घर तैयारी करम से बॉडी सेल्स आर रिजेम टू मेक द तो बॉडी ऑफ एव्री अर्गानिजम आम रे भी बहुत सारा सेल कुम बडी या ठीक अच्छे तो सेल डिस्कवरी केमती है तो यहाँ क्वेश्चन आसी पाए कि सैंटिस्टर नेम नैम अच्छी मे भी आपफ्यूज हो पारे तो टी ध्यान दे देख ह्वै एग्जाम आइनिंग ए थी स्लैस अफ कर्क कर्क मीन ए पार्ट अफ द बार्क अफ ए ट्री ट्री रोटे बार्क होर्क तो कर्क मैं गोटे पतला कर्क नहीं रोब फास्ट देखी थे mm. स दैट द कर्क एक्जामपुल द स्ट्रक्चर अफ ए हनिकम जमी महूमा तार घर जमी एमती कणा कणा हो छोटे छोटो एमती सेमती ही ही ए हनी कम कनसी मेनी लिटिल कंपोनेंट छोटे छोटे एमती कंपोनेंट कंपोनेंट थी थि, कंपार्टमेंट थी तो ताकू से ना देले सेल ठीक अच्छे थी? तो फर्स्ट जदि को क्वेश्चन आसे कि सेल फर्स्ट किए डिस्कवर करें देन आप दे रोबर्ट हुक बट इन द ईयर 1665, 65 हुक सिक्सटी थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप ही कॉल दिस बॉक्सेस द सेल तो रन, सेल को फर्स्ट डिस्कवर करेंटीन हंड्रेड सिक्सटी रे रोब हुक हुक् आग गोटे जिनस रोबोट हुक जो सेल डिस्कवर डिस्कभर सेटा डेड सेल ताला ठीक अच्छे बट लैटर इन द ईयर हंड्रेड सेवेन्टीन फोर एंटोन एंटोन भन् लिवन हूक् लिवन हुक् फास्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करें फ्री लिविंग सेल इन पंड व्वाटर तो जदि क्वेश्चन आसे फर्स्ट सेल किए डिस्कवर करें ओनली सेल आसे देन आपत अप्सन देखिक करेंगे रोबट हुक बट जदि लिविंग सेल आसे देन आप लिवन माने आपण आपणस चूज करेंगे ठीक अच्छे एगेन द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल आउ सेल रो स्टडी को साइटोलॉजी सैकोलोजी क तो मेड अप ऑफ मोर देन देल कौनसी अर्गानिजम गोटे रू अधिक सेल कुछ से अर्गानीजम्स को आम कह मल्ट सेल्युलर अर्गानिजमस डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू डिफरेन्ट डिफरेंट फंक्शन पाई आउ टिश्यू को कु बहुत सारा थाए तो अर्गान सिस्टम लेवेल थाए बट किसीटा अर्गानिजमस एमती अच्छा जो मानकर बॉडी गोटे ही सेल को लेकिन याूनिसेल्युला अर्गानिजमस कहुए आ गोटे सेल द्वारा ही रो सब स्ट्रक्चर जहाँ फंक्शन से, से गोटे सेल द्वारा सब फंक्शन होता है सेलर मध्य डिफरेन्ट स्ट्रक्चर अच्छी जमीटा सेल राउंड कि स्पेरिकाल और इलंगेटेड सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एर बोथ एंड दिविडे स्पिंडल सेप तो बहुत सारा सेल द साइज ऑफ सेल इन लिविंग अर्गानिजम मे बी एच स्म मिलियन अबे मीटर तो सबूत स्मॉलेस्ट सेल हूँ माइकोप्लाज्मा एटा आपड़ नोट जदी क्लास देखु देखुचार आ सबु लार्जेस्ट सेल होची हूँ अस्ट्रीजर एक् एक्पे ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल एंड माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ये देखते सेलर किसी स्ट्रक्चर अच्छा एटारे पॉइंट लिखाई तो स्मलेट सेल इ जीरो तो पॉइंट वान्न टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर इन बैक्टेरिया तो बैक्टेरिया भी बहुत स्मल सेल हो माइक्रोप्लाजमार तो स्मले सेल जो क्वेश्चनस आसे देन आपड़ माइक्रोप्लाजमा जब अपसन रे अच्छे देख सहीपसन को चूज करते देन तो लार्जेस्ट सेल मेजरी वन सेवेन्टी mm एम एम टू वन थर्टी एम एम इन दपेन अस्टिज तो एक् अस्ट्रीज एक् हो सब लार्जेस्ट सेल देन इच अर्गानज फर दर मेडअप अ स्मर पार्ट कल टीसू तो जमीक मुझे कहली फर्स्ट सेल बहुत सारा सेल कुछ टीसू दे टीसु को लेकिन टीसू सी टीसू सी पर दे आए आमर अर्गन अर्गन पर आसगान सिस्टम अल लिविंग सेल कैन वि क्लासीफायड एज तो सब लिभींग सेल्स को क्लासीफायड कर प्रो केओटिक सेल एंड युकेरीयोटिक्स तो फर्स्ट आम देखा एबाट प्रो केओटिक सेल द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेटेरीयल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रो प्रो केटिक् सेल तो जदि सेल न्यूक्लियर मेटेरीयल वितिथ न्यूक्लीयर मेम्रेन अच्छी तो प्रोकैरियोटिक सेल तो अर्गानिजम दिस काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स केयर्स तो यही भाई को जो मानक कर प्रोकैरियोटिक सेल अच्छी से अर्गानिजमस को आम प्रोकैरियोट्स कहबा दे आर मल्टीप्लाय रेपिलियन वेरी इन सैज ग्रेटली तो ये डिफरेन्ट डिफरेन्ट सैड था तो यार किसी एक्जापल्स रही रह। जी, रह। एक रह। एक सेल। तो सेल है प्रोकेसर जमीक बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन आलजी माइक्रोप्लाजमा ये सब हूँ यार एक्जापल्स आउ भी बहुत सारा एक्जापल्स अच्छी देन युकेरीओटिक सेल द तो सेल हैविंग वेल अर्गानाइज न्यूक्लीयस तो युकेोटिक सेल गए ओल अर्गानाइज न्यूक्लीअस् तार ऊक् मेम्रेन थी तो ये भाया सेल को आम कह युकेोटिक सेल को अर्गानिजमस कुमें युकेरिओरस देन এটা কিছু ইমেজ অ প্ল্যাট সেল আনিমাল সেল ভিতরে যা বিফরেস থাকে সেইটা আপনার দেখিনেবে যেমি এটি দেখুন কি আপনার দেখুম প্লাটসে রয়েছে ভ্যাকুল আউ তা সেলওয়া বট এনিমালসে যদি আপনার দেখবে সেল ওয়াল প্রেজে লাইসোজম রয়েছে আন্ট্রোজোম রয়েছে এটা হচ্ছে এর ডিফারেন্স তো আপনার টিকি দেখবে যদি আপনার পাখি নোটস অ

देर आर थ्री फिचर्स इन अलमोस्ट एव्री सेल प्लाज्मा मेम्रेन न्यूक्लीयस एंड सैटोप्लाजम तो सबू सेलोटे फिचर्स थाए जमीक प्लाज्मा मेम्रेन थाए न्यूक्लीयस थाए और सैटोप्लाजम थाएँ यूके सेल तो फर्स्ट आम देखा प्लाजमा मेम्रेन और सेल मेम्रेन दिश द आउटर मोस्ट कवरी अफ द सेल देपरेट द कंटेन्ट अफ द सेल कंटेन्ट अफ द सेल फ्रम इज एक्सटर्नाल एनभायरमेंट तो जमी मेम्रेन रू आप देखते हूँ आउटर कवरी प्लाजमा मेम्रेन सेल मेम्रेन यहाँ हूँ सेल आउटर मेम्रेन जोटा कि एक्सटर्नाल रो सेल प्रोटेक्ट कर दे प्लाज्मा मेम्रेन एलाउज और परमिट द एंट्री एंड एक्ट अफ सम मेटेय जमती कि इन एंड आउट एं� अफ द सेल तो कि मेटेरियाल को था प्लाज्मा कर भीतर तो को आ किसी बाहर को तो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली बा सेमी मेम्ब्रेन मेम्रेन कह सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रस् द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन प्रोसेस कार्बन देन वाटर ऑक्सीजन अक्सीजेन यू मुव दे मुवमेन्ट अफ व्वाटर मलिक्युल सिलेक्टिवली सिलेक्टली पर्मिएबुल इज निज ऑस्मोसिस। तो ओनली जब व्वाटर मुवमेंट हूँ थ्रु द प्रोसेस रसमोसीस्ए ठीक अच्छे डिफ्यूजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन रीजन तो डिफ्यूजन डिफ्युजन होने आपड़ सपोज घर छत उप टैं रही जिते बैप खोलती आपण बाथरूम बाथ्रूम होगा जो आप बेसीन थे था, सेठा जब आप टैप खोलती कौन मटर रिक्वयरमे हो न था डायरेक्टली ऊपर तल को तौकूस तो एमती हिसाब से आज डिफ्युज बुझीपरिवे तो माने वाटर किंवा से भी सबसटेन्सर जो माने हायर लेवल टू लोअर लेवल को ट्रांसफर होता है है तो सहीटा डिफ्यूजन नेक्स्ट वन अफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड इफ वी पुट एन एनिमल सेल और तो कि मानते देखा जमी हाइपोटोनिक सल्यूस आइसोटोनिक हाइपोटोनिक देपोटोनिक सल्युस अच्छे बुक तो मुझे आपको

তল এই চেল কম্পেয়াৰে যদি এই চৰাওণ্ডিংৰে ৱাটৰ কনচেণ্ট্ৰেচন অধিক অতি তাৰ হ'ব ৱাটৰ মুভ কৰিব থ্ৰু দৰাওণ্ডিং টু দিংক হৈছিল এব সেল অফ হ'ব ফুৰিব চেল টি তই পিয়া সল্যুচন কু আমি কয় হাইপ'টনিক চল্যুচন দেন আইচোটনিক চল্যুচন ইফ দ মিডিয়ম হেজ একজেক্টলি দম ৱাটৰ কনচেণ্ট্ৰেচন এজ দ ইন' অভাৰ অল মুভমেণ্ট অফ ৱাটৰ যদি ৱাটৰ চল্যুচন এইটাই গোটেই এইটি গোটে সেল অ সেল্রে যেতে

टर अशी आऊ बा वॉटर नाही वा, वाटर कण हव सेल रु बाहर सेल अंडर रु अंडरू बाहेर मुव तीटा कण हवं तो तर ए सल्युसन हाइपोटोनिक हायपोटोनिक तो आइसोटोनिक आयसोटोनिक रे बोथ सेल मे सल्रे जी वॉटर अशी बाहेर सल्युशन हायपोटोनिक सल्युशन बाहेर अधिक वाटर थांबला अंडर सेल मेल कम कम्ला तो कं होला बाहू भितर को वॉटर मुव आऊ हायपोटोनिक ओपोजिट बाहर को मोब है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबुल एंड इज मेडअप अफान और्गान... अर्गानिक मलिकुल कल्ड लिपिड एंड प्रोटीन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अधिक थाए फ्लेक्सिबुलटा था अर्गानिक मलिकुल लिपिड्स और प्रोटीन्स को लेकिन गठित होता है, है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मन रखिए। फ्लुइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज बाय सिंगर इ निकलसन इन द ईयर 1972। तो फ्लुइड मोजाइक मॉडल देते सिंगर एंड निकलसन इन द ईयर 1972।

ठीक अच्छे द सेलुल इज कंपोज अफ ए नेटवर्क अफ सेल्युलोज हुई इज प्रोभाइड स्ट्रक्चराल स्ट्रेन्थ टू द प्लांट तो जो सेलुआल रही थाल्युलोज को नहीं गठित होता है मैडप अफ सेल्युलोज जोटा कि प्लांट को कुट्रेन्थ प्रोभाइड नेक्स्ट हुएन ए लिविंग प्लांट सेल हु एस व्वाटर थ्रु अस्मोसिस् दे आर इज एंकेज और कंट्राक्शन अफ द कंटेन्फ द सेल एवे फ्रम दलुआल दिस डिस्फेनोम निश्चित हो नोन एज प्लाजमोलैसी प्लांट सेल व्वाटर लस करू अस्मोसीस तो सेल श्रिंकेज होता है तो प्रोसेस हो हूँ प्लाजमोलाइस देन सेलुआल इज प्रेजेन्ट इन प्लांट फंजाइन बैक्टेरिया सेल प्लांट प्रेजेंस था सेलुआल फंजाइर था थाए और ताक्टेरिया ता प्रेजेन्ट थाए दे आम देखा न्यूक्लीयस तो न्यूक्लीयस को डिस्कवर डिस्कभर नेम मानक मन मनेरखे न्युक्अस को डिस्कवर करेंगे रोबर्ट ब्राउन इन दर एट थर्ट आई थिंक ये एम सिक्यूस तो न्यूक्लीअसर डबल लेयर डबल लेयर कवरिंग कवरी जोटा कि मेम्ब्रेन न्यूक्अर मेम्रेन को क्यूक्लीयस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेमरेन पोर्स थाए टू अलाउ द ट्रांसफर अफ मेटेरीयल फ्रम इनसाइड एंड न्यूक्लियस ्यूक्लियस् इट्स आउटसाइड तो मानते मेटेरियल ट्रांसपोर्ट पाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थाए न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ हेडोटे मटेरियल इन द सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि क्रोमोजोम न्यूक्लीयस्तर प्रेजेंट था हुई कैरी जीन्स एंड हैल्पिंग इनहेरीट अ ट्रांसफर अफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू अब्सप्रिंग्स तो न्यूक्लीयस भितर क्रोमोजम प्रेजेंट थाए जो क्रोमोजम भितर जीन प्रेजेंट प्रेजेन्ट था आप जीन इनहेरीटेड हो फ्रॉम पेरेंट्स पेरेंट्स टू अब्सप्रिंग को जीन इनहेरिट इनहेरीट जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ ए हेरीटेर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू अफस्प्रिंग सेम पॉइंट रिपीट होती आल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल तो मिडिल रे प्रेजेंट थाए तो था एक एक्टिविटी को कंट्रोल करी थाए मिडिले न्यूक्लियस था इज हाईली एक्सटेंडेड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कल क्रोमैटिन तो न्यूक्लीअस्त क्रोमैटिन थाए न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड ्यूक्ली सब प्रेजेंट था द आउटर मेमरेज इन कंटिन्यूस ओथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बिओर्स राइबोसोम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे राइबोसोम थाए द क्रोमाटन मटेरियल चेंज इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन टाइम रे क्रोमाटिन चेंज की क्रोमाटीन मटेरियल चेंज की क्रोमोसोम रे चेंज हो जाए इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए क्रोमोजोम डीएनए थाए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट था डीएनए रुल फर्म हो एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ई ऑर्गेनिज्म सेल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स तो जीन्स जीन्सर डीएनए रो फंक्शनल सेगमेंट को जीन्स कहा जाए जेहतु सेल सैकल नहींल सक डिटेलस अच्छी आम सिलसुद सेल सक ना तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट आपड़ा मन रखेंगे और जदि पढ़ी सेल सक तो टे क्लीअरली आप बुझीप देन एवरि क्रोमोजम है प्राइमेरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ हुई डिग सेफ कनेटो आर प्रेजेंट तो किटा एक्स्ट्रा पॉइंट एटे अच्छे क्रोमोजोम रिलेटेड तो ये आप देखने वे दे आम देखा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाजमा मेमोरेन भरे सेल भितर जो फ्लूइड सबसे सहीटा हूँ सैटोप्लाजम एंड इट कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल अर्गाने तो जो सब सेल अर्गानाइज अच्छी सेटोप्लाजम्रे प्रेजेन्स था ऑल ऑफ द अर्गाने इन यूकैरियोटिक सेल्स अच्छे न्यूक्लियय होंडोप्लाजमेटिकुलालम हो माइट्रोकिया अर्गानाइ हो अर्गानाइस सब सैटोप्लाजम्रे हिं प्रेजेन्ट था अल सेलुलागान आर एम्बेडेड इन इट जहाँ भी सब सेलुलार अर्गानिक सैटोप्लाजम भर ही थाए इट इमस द रिएक्शन सेन्टर फर मेनि सेलुलर रिएक्शन देन नेक्स्ट आम देखा एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम डिस्कवर बाय पोटर इन नाइंटीन फोर्टिफाइ तो बहुत सारा सैंट मान नेम सेल देखने को पाए तो टीके ट्राए करें मन रखा तो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम को डिस्कवर करें पोटर इन दर नाइंटिन फोर्टाइव तो रेटिकुलम इज ये लार्ज नेटवर्क बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स यहाँ देखो होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुनी टू टाइप्स ऑफ थाय गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनदर वन इज ईज रफ रेटिकुलम इट लुक्स लाइक लंग और राउंड और

অ্যান্ড সিক্রেসন তো রফ অ্যান্ড এন্ডোপ্লাজমি রেটুলাম তারা সরফেসে রাইবোজম প্রেজেন্ট থাকে দে্মুথ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটুম ইট ইজ ইনভলভ লিপিড সিনথেস তো আপনি যদি কোশ্চেন্স আসে কি রাইবোজম কেউ এন্ডোপ্লাজমি রেটুকুম থাকে তো আপনা এটা মানে চুজ করি রপ এন্ডোপ্লাজমিক রেটুম আউ স্মুথ অ্যান্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটুলামে লিপিড রিথেস হয়ে থাকে অ্যান্ড টিরয়েডা এটা আপনার মনে

भटिव्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलालम प्ले क्रूसियाल रोल इन डीटक्सीफाइंग मेनि पॉइजनस एंड ड्रग्स तो ड्रग्स आओ बहुत सारा पॉइजनस को डिटक्सीफाइ करने भट्ट्रेड्स गोटे मेजर रोल प्ले की थाय स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकलम दे ने नेक्स अर्गान गलगी कम्प्लेक्स जो गलगी कंप्लेक्स डिस्कभर करमिलो गलगी केमिलो गलगी इन दर एटीन नाइंटी एइट्रेसकवर कर <laughs> गल्गी कॉम्प्लेक्स इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेली पारलेट टू इच अदर इट्स टैक कॉल्ड सिस्टन सिस्टन्स तो गल्गी एपारेटस रे बहुत सारे एंटी वेसिकल्स अरेंज एक ही था ही जोड़ा की सिस्टर्स को हज़ै Then its function are secretion, providing storage, place for proteins. सेलुअल फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड लाइसोजम फॉर्मेशन एटा हो रहा फंक्शन द मेटेरियाल सीथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज एंड डिस्पै टू भेरिय टारगेट इनसइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गलगी एपरेटस ये यार फंक्सन किसीटा रही इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स सुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर इन द गलगी एपरेटस आउ किटा केसेेस्रे गलगी सिंपल सुगर सिंपल सुगर रू कम्लेक्स सुगर फर्मेसन ना नमें देखा लाइसोजम तो लाइसोजम को डिस्कवर करी डी डुबे इन दर नाइनटीन फोर्टी नाइन तो लाइसोजम हो गए सिंगल मेमोरा बाउंड अर्गान यहाँ मन रखिए इम्पोर्टाट क्वेश्चन मे भी आसपा दे आर रिच इन हाइड्रोलिक् एंजाइम तो लाइसोजम बहुत सारा हाइड्रोलिक् एंजाइम था जमती लाइपेज लाइपएज है प्रोटीएज कारबोहैड्रेज एक्टिवेज एंड एट एसीडिक पीएच तो यही सब एंजाइम एक्टिव था एसिडिक पीएच रे एला, प्रोटीज प्रोटे कारबोहैड्रेट ये सब एंजाइम एक्टिव था एट एसिडिक पीएच दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहैड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स एंड एसिड तो यही सब एंजाइम माने कार्बोहाइड्रेट्स को को लिपिड्स को डायजेस्ट करते ड्यूरींग द डिस्टर्बे डिस्टर्बेन्स इन सेलुलर मेटाबोलीजम फॉर एक्जाम्पल व्वेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोजम में बस्ट द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल तो जितेबले सेल सेल्ड डैमेज होता है तो लाइसोजम से बस् करू एंजाइम को डाइजेस्ट कर सॉरी सरी सब एंजाइम निजर ओन सेल को कुछ डायजेस्ट करतेपाई लाइसोजम को सुइसाइडाल बैक जाए देर फोर लाइसोम आर अल्सो कल्ड सुइसाइडा बैग अफ ए सेल सैल देक्ट रही माइटोकटि तो माइटोकटि डकवर करें अल्डमैन इन द इ्ट नाइंटी तो माइटोकआर टू मेमरेन थे जमीक जोटा कि लिपिड आउ प्रोटीन तो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस

द वॉल्यूम एनक्ज बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकिया इज कॉल्ड ल्यूमेन तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रंडिया को ल्यूमेन कहा जाए इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी एटीपी इज रिलीज इन इट थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन त माइट्रोकिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाए जेहेतु एटीपी रिलीज होता है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन टाइम रे एटीपी रिलीज होता है एटीपी और एरेनोसाइन ट्राइफेड इज नोन एज एनर्जी करे अफ़ द सेल तो एटीपी को एनर्जी करेन्सी अफ सेल जाए देन द तो मैट्रिक्स अफ माइट्रोकट्रिया अल्सो कंटेन सार्कुल डीएनए मलिक्यूल्स एफ यू आरएनए मलिक्यूल्स तो माइट्रोकट्री मैट्रिक्स सर्कुलर डीएनए मलिक्युल्स थाए किटा आरएनए मलिक्यूल्स थाए रईबोजम थाए देन सिंथेस देखा प्लास्टिक प्लास्टिड आर स्मल कलर बॉडी प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स तो प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल सेल्रे प्रेजेंट देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक गोटे हूँ क्रोमाटो प्लास्ट जोटा कि कलर प्लास्टिक अंटे हूँ लुको प्लास्ट जोटा कि ह्वाइट और कलरलेस प्लास्टिड तो क्रोमाटो प्लास्ट कंटेन द पिगमेन क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट তো ক্রোমেটোপ্লাষ্ট্র যে কলার পিগম্যান্ট ক্লোরোফিল থাকে তাকে ক্লোরোপ্লাস কোহায় ক্লোরোপ্লাস্ট আর্ ইম্পোর্টান ফর ফোটো সিনথেস ইন প্লা্ট প্ল্যাট যে ফোটো সিনথেস হয়ে থাকে সেইপাঙ্গে ক্লোরোপ্লাষ্ট্র ইম্পর্টান্স কন্টেন্ট ভেয় ইয়েলো ওর অরেঞ্জ পিগমেন্ট ইন এডিসন টু ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল সহিত কিছুটা ইলো আউ অরেঞ্জ পিগম্যান্ড প্রেজেন্ট থাই देन द ल्युकोप्लास्ट आर और प्राइमरीली ऑर्गेनेल इन ह्विच सच ए स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रुल्स आर स्टोर तो ल्युकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस सिंथेस है आउ एटा कोटे प्राइमरीली प्राइमेली जो जोटे कि स्टार्च थाए ऑयल्स प्रोटीन सब स्टोर हो थाए लाइक द माइट्रोकिया प्लास्टिक अल्सो हाव देयर ओन डीएनए एंड रोजम ये इम्पोर्टाट एक्जाम क्वेश्चन देख पारे आपत तो माइक्रोकटिया भ्लास्टिकार ओन डीएन ए रही रोजम रही देखने देखा रोजम तापर रही रोजम को डिस्कवर कर पैलेट इन दर नाइन फिफ्टी राइबोजोम इज द ऑर्गेनेल इन द सेल तो सेल सब ऑर्गेनेल अर्गानी रईज ए रबोजम इज कंपोज ऑफ टू सब यूनिट गोटे हूँ द राइबोजोम रोज सब यूनिट डिकोर्स द जेनेटिक मेसेज और रीड द एम आर एन एर मैसेंजर आर एन एपरिवे द लार्ज रोजमल सब यूनिट दे फॉर्म द लार्ज रैबोजमल सब यूनिट रे माने लार्ज रैबोजम सब यूनिट कम पोपेपटाइड चेन फर्म एमिनो एसीड पोली पेप्टड चेन फर्म कर, फर्म कर तो प्रोकेरिओटिकटे सेवेन्टी एस रबोजम थाए था और युकेरीओटिक युकेरीयोटिक्सठार एटी एस रबोजम प्रेजेन्स थाए तो एस मीन एड वर्क यूनिट देन रैबोजम आर एटेज टू रप एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम दे हेल्प इन प्रोटीन सिन्थेसी आम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम दे देखी थे तो रप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस ठे रईब्रोजम प्रेजेन्ट था जोटा कि प्रोटन सिंथेसीस्रे जो रईबोजम प्रोटन सिंथेसीस कर देन लास्ट रही आमर भैक्यूल्स भैक्यूल्स आर स्टोरेज से फर सलीड् और लिक्विड कंटेन्ट तो भैक्युल ठार माने स्टोरेजर फंक्शन रही भैक्यूल्स रोटा कि लिक्विड कंटेन्ट कि सलीड कंटेन्टर तार स्टोरेज होता है भैक्यूल्स आर स्मल सइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हाव भेरी लार्ज भेक्युल तो एनिमल सेल भेक्यूल्स बहुत स्मल सइजर थाए और प्लांट सेलर भेक्यूल लार्ज भेक्यूल्स था लार्ज सैज्र भेक्यूल्स प्रेजेन्स थाए तो यही भेक्यूल्स सर यारबोजम यूनिट लार्ज सब यूनिट एंड स्मल सब यूनिट देन इन प्लांट सेल भेक्यूल्स सर फुल अफ सल्स सेफ एंड प्रोभाइ टर्र्जिडीट एंड रिजिड टू द सेल तो यार यटा हो प्लांट भेक्युल तरह फंक्सन तो सेल एब्रे मानते फुल थाए भेक्यूल प्रोभाइड करेंगे टर्जिड्यूटी और रिजिडी टू द सेल सेल को टर्र्जिड्यूट रिजिड प्रोभाइड करेंगे इन सम यूनिसेल्युला अर्गानिजम स्पेसियाल भेक्यूल्स प्ले इम्पोर्टाट रोल्स इन रोल्स फुड भेक्यूल्स कंटेन द फुड आइटम इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रम द सेल द फुड भेक्यूल फुड स्टोरेज होता है आउ वाटर एक्से वाटर कोसपेल कर तो यही रही है प्लांट्र स्ट्रक्चर सरी सेलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फंक्सन भिडे लेंदी होती तो से चाहिए भिड को वाने पॉइंट फाइव एक्स स्पीड में देखे आए स्पीड आई नो यदि बुझीपारी एगे आपड़ भिड को प्ले करेंगे आई जिन यार एम सिक्यूस अलरेडी डिस्कसन कर सारी आम चेल्ले तो मुझर टी एक्जाम्पल क्वेश्चन देवी बट ट्राए कर लेवल किसी क्वेश्चन आपंट को प्रोभाइक करने को तो एम सिक्यूसमें डकसन करदेव और यार कमेन्ट बक्स में फर्स्ट आपन को यार एम सिक्यूसर डिटेल्स प्रोभाइड करदेवी तो सही जाए आपना जो प्रिस्ली ओटीटी एग्जाम टाइम जो एम सिक्यूस प्राक्ट करें एम सिक्यूज प्राक्ट या पूर्वर जो एम सिक्यूस आपको प्रोवैडाई एम सिक्यूस एनसीआर टी एक्जाम्पल क्वेश्चन प्राक्ट कर कम्प्लीट हो तो या सहित कम्प्लीट बायोलो पेपर टू रो कंप्लीट बायोलॉजी आम कवर करी सारी तो यदि पूर्व वीडियो सब देखी नाते चैनल प्ले लिस्ट को जैक आना देखिपर बायोलॉजी नोट एवे भी टाइम अच्छी जब पढ़ाक चाहूँ जो नंबर आपन को फर्स्ट वीडियो रो फर्स्ट प्रोभाइए से नंबर आपड़ा मैसेज करूं कहीं भी कल कर मेसेज कर পেমেণ্ট কৰিট পঠাওঁ সেইটো আপোনাৰ এভেল কৰি নেবে ত আশা কৰোঁ আপোনাৰ বায়'লজি কম্প্লিট ক্লাছ দেখি চাই আৰু যদি দেখি নাহি দেখা নেক্সট ইয়াৰ পৰা আমি অন্লি ফিজিকা সাইন্সৰ হি এম চিকুছ ডিছকচন কৰিব আৰু টি ইটিৰ কিছুটা ফিফিএছ কোৱশ্চন আমি ডিছকচন কৰি নেবা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে হেল্পফুল হৈ থাকিব क्लास टी को पसंद आदि क्लास पसंद आसी कम वीडियो तळे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जन सो थैंक्स फॉर वाचिंग कीप लर्निंग